वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान फॉर डे। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो आपको टॉपिक का पता चल गया ही होगा जैसे कि आपने थंबनेल जो देखा है उसके ऊपर से। तो हाँ, मैं यही बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे जो स्मार्टफोन कंपनीज है या फिर जो स्मार्टफोन की डिजाइन है वो आईफोन की कॉपी क्यों करते हैं, क्योंकि तो कॉपी नहीं कर सकते। या फिर आईफोन का जो मतलब जो कैमरा है, उसके बाद बात करेंगे उसका जो नॉच है, जो फेस रिकॉग्निशन नॉच है, उसकी भी कॉपी की है बहुत सारे फोन्स ने। तो ये क्यों हो रहा है, और आप मतलब मान सकते हैं कि जो मतलब आपको ये मानना हुआ कि सारी जो डिज़ाइन आते हैं या फिर यूनिक जो डिज़ाइन है वो एप्पल के पास ही इन्वेंट होता है, उसके बाद सारे जो अदर कंपनी है वो उसको कॉपी करते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, तो यही मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और जी हाँ, लास्ट वीक में मैंने बहुत सारे मतलब दो गैजेट का अनबॉक्सिंग किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एम आई बैंड 3 का, तो वो मैंने आई लिंक में ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और रेडमी नोट 5 प्रो का भी अनबॉक्सिंग मैंने डाल दिया है, तो आपको आई लिंक यहाँ पे भी उसका दे देता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर डे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि सारे जो डिवाइस है, आप अगर मान लीजिए कि जो भी नए चाइनीज डिवाइस आ रहे हैं, ओप्पो ले लीजिए, शाओमी ले लीजिए, वो तो सारे डिवाइस आईफोन की क्यों कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी का इन द सेंस आपको पता चल गया होगा कि जैसे एप्पल ने आईफोन 10 लॉन्च किया था, उसमें आपको वर्टिकल कैमरा मिला था, 8 से चालू हुआ था। तो ये जो वर्टिकल कैमरा है, आपको सारे जो अभी चाइनीज प्रोडक्ट या फिर चाइनीज कंपनी आ रहे हैं वो कॉपी कर रहे हैं। तो सेकेंड बात, दूसरी बात रही, उसके बाद बात करेंगे जो फेस अनलॉक का पैटर्न है वो भी सारे जो कंपनी है कॉपी कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आईफोन है एक यूनिक डिज़ाइन इन्वेंट करता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे आईफोन 7 लॉन्च हुआ था, तभी आईफोन ने अपना हेडफोन जैक हटा दिया था, तो काफ़ी सारे यूज़र्स को लगा था कि आईफोन ने गलत किया है कुछ, मतलब जम नहीं रहा है, क्योंकि आपको एक ही स्लॉट मिलता है चार्जिंग और ईयरफोन के लिए। तो ये मतलब आईफोन ने कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ उसका इन्वेंशन या फिर कुछ थिंकिंग होगी उसके पीछे। तो उसके बाद अगर आप चेक करेंगे कि अभी जो एम आई 8 जो लॉन्च होने वाला है, या फिर काफ़ी सारे जो वीवो के जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने भी वो हेडफोन जैक हटा दिया है। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब लगातार जो सारे जो डिवाइस है वो क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आईफोन एक यूनिक ब्रांड है। अगर आप उसको कॉपी करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट की सेल है वो होने मतलब 100% श्योर है कि आपकी प्रोडक्ट की सेल होने वाली। तो आगे बात करूंगा, जैसे कि आईफोन एक ऐसा ब्रांड है कि मोस्ट ऑफ जो सेलिंग होती है उसकी ज़्यादा होती है, वो नंबर 1 पे है उसका प्रोडक्टिविटी का सेल। तो अगर आप बात करेंगे जो पिछले मतलब 2-3 महीनों में जो लॉन्च हुआ था वन प्लस 6, उसको जो सेल करने उसके वन एक डिवाइस मतलब जो वन प्लस 6 के 1 मिलियन डिवाइस सेल करने के लिए उसको 22 डेज लगे थे, मतलब एक का पूरा महीना लगा था कि 1 मिलियन डिवाइस सेल होने के लिए। पर अगर आप आईफोन की बात करते हैं या फिर आईफोन की कोई भी डिवाइस ले लो, आईफोन 7, 8 या फिर जो अभी लॉन्च हुआ है हुआ आईफोन X ले लो, उसको एक दिन में उतने डिवाइस वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि आईफोन एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है जो आपको कहीं पे भी मतलब उसका जो यूज़र्स है वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और मैं भी एक उसमें से एक फ़ैन हूँ आईफोन का। तो आगे बात करेंगे कि आईफोन का जो आईफोन ने जैसे कि आईफोन 8 में जो पोर्ट्रेट मोड लॉन्च किया था, या फिर आईफोन 7 प्लस में जो पोर्ट्रेट मोड लॉन्च किया था, उसके बाद ये पोर्ट्रेट मोड इतना फेमस हो गया कि पहले उसके पहले कभी इतना फेमस नहीं था। तो ये काफ़ी फेमस हो गया था पोर्ट्रेट मोड, और काफ़ी सारे जो चाइनीज़ कंपनी आपको हर एक इसमें पोर्ट्रेट मोड मिलता ही है। और उसके बाद बात करेंगे अभी तो फ्रंट कैमरा भी आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल रहा है, तो मतलब कुछ यूनिक डिज़ाइन है। तो एप्पल ने क्या किया था, जैसे कि आपको बात 7 में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, 8 में भी फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, पर आईफोन X जैसे लॉन्च हुआ था उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर हटा दिया था, तो फेस अनलॉक का पैटर्न लाया था। तो ये सारा जो है कॉपी कर रहे हैं काफ़ी सारे जो चाइनीज़ कंपनी है, ओप्पो, वीवो, शाओमी। तो मतलब जो फेस अनलॉक पैटर्न है वो लॉन्च आईफोन के बाद ही आ रहा है। तो जो नॉच है उसका काफ़ी सारी जो डिटेलिंग है उनके तरफ से आईफोन की तरफ मतलब आईफोन के डिज़ाइन से इंस्पायर की गई है। और इंटरेस्टिंग एक बात है कि अगर आप देख सकते हैं कि जो भी कंपनी आ रही है, तो वो ज़्यादा करके जो आईफोन के जो सॉफ्टवेयर है या फिर यूआई की बात करेंगे उसकी कॉपी करते हैं, उसके जैसे ही सेम यूआई बनाते हैं, सिर्फ एक नाम देते हैं कि ये स्टॉक रोम है और मतलब एंड्रॉयड रोम है। तो ये काफ़ी मतलब अगर आप अच्छे व्यूवर्स हैं या फिर अच्छे आपको बहुत सारे अपने डिवाइस हैंडल किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये एक यूनिक डिफरेंस है। अगर आपने बहुत सारे आइकॉन देखे होंगे या फिर गैलरी की बात करेंगे, तो गैलरी भी आईफोन की तरह सारे जो है डिवाइस कॉपी कर रहे हैं। तो ये कुछ
मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये आईफोन को क्यों हो रहा है, क्योंकि आईफोन की अगर आप कॉपी करते हैं तो आपके डिवाइस सेल होने में मदद होती है। तो वन प्लस भी कुछ इसी तरह से हद कर रहा है, मतलब एक कोशिश कर रही है कि आप वो भी आईफोन का एक कॉपी करें। क्योंकि आगे बात करूंगा जो सबसे बड़ा फीचर था कि बैक ग्लास, जो ग्लास फीचर आईफोन ने दिया था वो काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। तो यही सारा जो बैक ग्लास का जो फीचर है काफ़ी सारे डिवाइस में आपको मिल जाएगा, ओप्पो वीवो शाओमी ये सारे चाइनीज़ कंपनी में आपको मिल जाएगा। पर अभी तक जैसे कि इंडियन ब्रांड में इतना इसका मतलब लोगों में इतना फ़र्क पड़ता है कि आईफोन ने अगर ऐसा दिया है तो बाकी सारे यूजर्स भी ऐसा देना चाहिए, ऐसा एक मतलब लोगों को लगता है क्योंकि एक वो बहुत बड़ी ब्रांड है। तो मेरा एक मानना है कि अगर कोई भी डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन अगर लॉन्च होता है वो तो सबसे पहले आईफोन ही निकलता है। अगर आप मतलब इससे एग्री करते हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो आज तक के लिए मेरा वीडियो इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।